जम्मू कश्मीर के दौरे पर नरेंद्र मोदी 7 तारीख को आ रहे हैं और उसके साथ साथ अगर पार्टी के जो जितने भी लीडरान हैं या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं शहर के अंदर, और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वो लोगों से खिताब करेंगे, करीबन 12 बजे जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स को भी जो है इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं, ऐसा हम तक जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर पहुंची। आपको बताएं कि अल्ताफ ठाकुर जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमने आज सुनील शर्मा की हिदायत के मुताबिक जो है सुनील शर्मा जो पार्टी के सीनियर लीडर है उनके सदारत में एक मीटिंग अमल में लाई गई श्रीनगर के जो उनकी रेजिडेंस है वहां पर, और उसको वहां पर जो है एक मीटिंग हुई जिसमें काफी सारे लीडरान अल्ताफ ठाकुर के साथ साथ डॉक्टर दुरक्षा अंद्राबी, हिना भट्ट और उसके साथ साथ दीगर लीडरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। आपको बताएं कि अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो 7 तारीख को लोगों के एक जल सैलाब को संबोधित करेंगे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में। हालांकि कई खबर पोर्टल्स पे आई थी, जो न्यूज पोर्टल्स हैं उन पे आई थी कि साउथ कश्मीर के अंदर उनको एक जलसे को खिताब करना है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो है सिक्योरिटी के रीजन की वजह से वो पोस्टपोन हुआ है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वो लोगों से खिताब करेंगे और साथ ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी अमल में लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उनका जो पीएम पैकेज के तहत जो जितने भी जो कहीं ना कहीं नजर इस पे रखी जाती है कि कहीं ना कहीं जब पीएम किसी विजिट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर या उस रियासत के जो यूटीज है उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस होगी। उन्होंने कहा कि हम तवक्कु करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर को इस बार भी देकर जाएंगे। यंग बर्ड्स के लिए फहीम अहमद, श्रीनगर। देखिए, प्रधानमंत्री 7 तारीख को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक जन सैलाब को संबोधित करने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस स्टेडियम में पहुंच जाएंगे, और मैं आपकी वसादत से एक बात क्लियर करना चाहता हूं। कल तक जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में एक बात चल रही थी कि जो मुख्तलिफ वेन्यूज उन्होंने दिए थे, देश के प्रधानमंत्री बख्शी स्टेडियम में 7 तारीख को 12 बजे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों का एक जन सैलाब होगा। मुझे लगता है कि श्रीनगर कम पड़ जाएगा, इतनी तादाद लोगों की होगी, और हम ये उम्मीद और यकीन रखते हैं कि कुछ तो बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन होगी और प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं, और वो कश्मीर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में जो प्यार उन्होंने कश्मीरियों को दे दिया, हर बार उन्होंने कश्मीरी की बात की, और आज एक बार फिर वो यही कहने आया है कि कश्मीरी मेरे दिल में रहता है, कश्मीर से मुझे प्यार है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और महासेवक जो नरेंद्र मोदी जी कहता है वो फिर एक बार कश्मीर की सेवा करने के लिए यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और यहाँ के यूथ के लिए एक अच्छा पैकेज लेकर जा रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता उस रैली में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं जो आम लोग हैं उनका एक जनसैलाब उमड़ के आएगा, और आप देखेंगे श्रीनगर में जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग उस रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। देखिए, कश्मीर भारत का ताज है, और नरेंद्र मोदी जी के दिल में कश्मीर के लिए हमेशा प्यार, मोहब्बत, एहतराम और रेस्पेक्ट रहा, और मैंने बार बार कहा कि उन्होंने कश्मीर की बात की, आप कश्मीर को जम्मू के साथ कंपेयर मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कश्मीर लंदन की तर्ज पे बने, इसलिए यहाँ स्मार्ट सिटियाँ दी थी, इसलिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रहे, और कश्मीर को भारत की 5 टॉप सिटियों में बनाने के लिए कर नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करने।